पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से रामगंगा बिहार स्थित स्वयंवर बैंकट हॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीआईजी शलभ माथुर, डीएम मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी मुरादाबाद बबलू कुमार तथा विशिष्ट अतिथि एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया तथा एसीएम प्रथम राज बहादुर रहे। आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभी अतिथियों का स्वागत चंदन का तिलक लगाकर और गले में पटका डालकर किया गया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक संतोष गुप्ता ने की और संचालन अनिल मिश्रा ने किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत यूनियन अध्यक्ष मोहम्मद फहीम, महासचिव रितेश द्विवेदी और कोषाध्यक्ष अंकित चौहान के द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों और पत्रकारों ने संगीत कार्यक्रम का भी आनंद लिया। सजी हुई सुरों की महफिल में सभी ने आनंद लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह ने मंच पर बोलते हुए कहा कि यूनियन का ये सराहनीय कार्य है जिसमें पत्रकारों और प्रशासन को एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिला है। डीआईजी सर, आदरणीय एसएसपी साहब, उप निदेशक सूचना जहांगीर जी, यहाँ उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय महासचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, उन अवसर पर तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जब रितेश जी ने यहाँ आग्रह किया कि साहब आपको आना है, तो मुझे लगा कि आप लोगों ने मेरे पर पिछले 10 महीनों में बहुत कर्ज डाल रखा है। लगातार किसी भी अवसर पर मैंने देखा है कि जब भी हम लोगों से जाने अनजाने में थोड़ी बहुत चूकें हुई हैं, उन चूकों को इग्नोर करके उसके सकारात्मक पहलू को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा अवसर है कि मैं कम से कम आपको धन्यवाद अदा कर सकता हूँ कि पिछले 10 महीनों में विशेष रूप से निर्वाचन के समय या कोविड के थर्ड लहर के समय जिस तरह से आप लोगों ने सकारात्मक हम लोगों को सहयोग दिया, उसके लिए निश्चित रूप से हम सभी लोग आपके बहुत आभारी हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम भी आप ही के परिवार के सदस्य हैं, बस हमारे आपके कामों करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोगों का लक्ष्य लगभग एक ही होता है। और आज यहाँ पर अभी उमर जी ने और उनकी टीम ने जो प्रस्तुतिकरण, सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण किया, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगा। फिर ऊर्जा का संचार हुआ कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने कार्यों में लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और हमें अवसर मिला है कि हम कुछ समाज के लिए कर सके, तो हमें उस कार्य को करना है। इस दौरान होली की शुभकामनाएं देते हुए डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि मुरादाबाद की मीडिया बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है और प्रशासन के साथ हर परिस्थिति को संभालने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हम लोग को यहाँ पर बुलाया। हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष, गौरव और सम्मान का विषय है। जो जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब ने बात बोली, मैं उसी को आगे जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। विशेष रूप से यहाँ से सभी प्रेस के बंधुओं के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिस तरह पिछले एक साल का मेरा आज एक साल मेरे को यहाँ ट्रांसफर पे हो गया है। पिछले साल ही मैं 26 मार्च को यहाँ पर आया था, तो जिस तरह का सपोर्ट आप लोगों ने दिया, आते ही जो है वैश्विक महामारी कोविड का समय था, उसी के साथ में जो उसकी सेकेंड वेव थी, उसी वक्त पंचायत चुनाव भी था, और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स, उसके बाद चुनाव, वीआईपी विजिट सब रही। और आप लोगों ने, जैसा कि अभी डीएम साहब ने बताया, कि कभी हमारी नकारात्मक या किसी चूक को इस तरीके से नहीं उजागर किया कि हम लोग को भी किसी चीज़ के लिए जवाबदेही हुई या किसी तरीके की चीज़ हुई, वो हमेशा हम लोग के लिए भी एक सकारात्मक पहलू रहा। मैं पुनः इस तरह के आयोजन के लिए, इस तरह के पूरे सहयोग के लिए, जो कि मेरे भी जीवन का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, सुखद अनुभव रहा, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और एक बहुत ही अच्छे आयोजन करने के लिए, और ऐसा आशा करते हुए कि भविष्य में भी हम लोग साथ में इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं एसएसपी बबलू कुमार ने कहा कि मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने चुनाव के दौरान सहयोग दिया, और यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने एक अच्छा मौका दिया जिसमें सभी पत्रकारों के साथ बैठकर होली मिलने का भी अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाई दूंगा, उन सभी लोगों को कि जो पुलिस लाइन में आए, और उन सभी लोगों को भी जो नहीं आए, और कुछ लोग जो गेट पे खड़े थे उनको भी।
अब ये हम नहीं कह सकते। और ये होली त्यौहार ही ऐसा है जो रंगों का त्यौहार है, उत्साह का त्यौहार है, ऊर्जा का त्यौहार है। और वो दिन बेसिकली ऐसा है कि नॉर्थ बिहार का हूँ मैं, तो हमारे लिए होली और छठ, दीपावली और छठ, ये दो त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें आदमी अपने पूरे कहीं भी हो वो अपने घर पे ही जाता है। पुलिस की नौकरी में हम लोग ऐसा है कि पिछले 10-12 सालों से जो है घर नहीं जा पाते हैं, तो पुलिस का पुलिस की परंपरा के हिसाब से अगले दिन होली होती है। तो यहाँ जब सैटरडे को भी संडे को, तो चूँकि जितने हमारे पुलिसकर्मी हैं पिछले 2 दिनों से काफ़ी मेहनत भी किए थे, आप लोग भी थे, तो उत्साह उतना ही उनका रहता है। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उनको कभी ऐसा फील ना हो कि वो परिवार से दूर हैं, और परिवार के तरह ही त्यौहार को मनाए, चाहे वो दीपावली हो और चाहे वो होली हो। इवन जन्माष्टमी पुलिस में बहुत फेमस रहती है, तो ये अच्छी परंपरा है जो पुलिस में थी। और मैं समझता हूँ आप लोगों की भी ये जो एसोसिएशन की ये परंपरा है ये बहुत ही अच्छी है। हमेशा एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ मिलकर चढ़ने में ज़्यादा हम आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रोग्रेस अच्छा होता है, हम साथ मिलकर बहुत आगे निकल जाते हैं। और साथ रहना, खुशियों के साथ रहना, ये शायद जीवन का अच्छा मकसद है। इस दौरान एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया तथा एसीएम प्रथम राज बहादुर सिंह ने भी पत्रकारों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के बीच होते रहने चाहिए, जिससे कि आपसी प्रेम भाव भी बरकरार रहे। और सभी के लिए फिर एक बार मैं धन्यवाद दूंगा फिर, और मैं विशेष तौर पर डीएम साहब, डीआईजी साहब और एसएसपी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आए कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं हुआ पुलिस लाइन वाले में, लेकिन फ़ोटो मैंने देखे थे, तो मैं डीएम साहब से भी बात कर रहा था। तो जो फोटो के समय जब देखा मैंने कि एक आत्मीयता का भाव जो दिखाई दे रहा था, प्रेम का भाव था, जो जिस तरीके से रंग लगा रहे थे एक दूसरे को, वो कमी देखने को मिलता। ऐसे ही सभी प्रेम के साथ अभी अपना आगे त्यौहार भी मनाएं, और जितने भी हैं बहुत बहुत धन्यवाद। यूनियन के बैनर पे एक प्रोग्राम किया था। मंशा इसमें यह थी कि एक तो होली मिलन का मौका था और खुशियां एक दूसरे के साथ हम लोग बांटें, रंगों का त्यौहार है। और ये भी एक बात थी कि जितने और संगठन भी हैं हमारे, सारे पत्रकार, खाली हमने अपने ही संगठन के पत्रकारों को नहीं बुलाया था, बाकी संगठन के पत्रकारों को भी बुलाया था, ताकि हम लोग एक साथ बैठें और एक साथ बात करें और एक साथ खुशियाँ मनाएँ। इसमें कुछ अफसरान भी आए थे, उन्होंने भी हमारे साथ इस मौके पर जो है वो होली की खुशियाँ बांटी। और मेरा ये कहना है कि आगे भी हम लोग जो है इसके लिए कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह के कोई भी खुशी के प्रोग्राम हो तो वो हम करते रहें, और इससे जो है हमारा इत्तेहाद बढ़ेगा, पत्रकारों की एकता बढ़ेगी। आज उत्तर प्रदेश यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से पत्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन कराया गया, और ये इसमें पूरे हमारे जनपद के सभी पत्रकारों को बुलाया गया था, और सारे पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारी आए हुए थे। हम लोगों ने विचार मंथन किया और सबको होली की बधाई दी, इसी को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम और निकटतम भविष्य में इस तरीके के समारोह पत्रकार संगठन की ओर से होते रहेंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।